आपका कार्यक्रम आप ही मेहमान 100 से 500 लोगों को खाना बनाकर होम डिलीवरी उपलब्ध। जी हाँ, राकेश तिवारी कैटर्स पेश करते हैं स्वादिष्ट भोजन की संपूर्ण श्रृंखला। निजी स्कूलों की तरह सरकारी स्कूल में भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 19 अक्टूबर को प्रदेश में पेरेंट्स मीटिंग जैसी पहल का आयोजन किया। दमोह में यह पहल निराशाजनक रही। शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ग्राम कुंजी से केवल 2 बच्चों के परिजन ही स्कूल पहुंचे, जबकि विद्यालय में लगभग 400 छात्र दर्ज हैं, लेकिन 2 बच्चों के पेरेंट्स का आना बहुत ही निराशाजनक है। इस पहल की शुरुआत इसलिए की गई है ताकि परिजन भी बच्चों के शिक्षा के स्तर से अवगत हो सकें। इस संबंध में विद्यालय के प्राचार्य वाई के कोरी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि दीपावली त्यौहार और छात्रों द्वारा अपने पेरेंट्स को जानकारी न देने की वजह से यह स्थिति बनी। अगली मीटिंग में विद्यालय द्वारा ही छात्रों के अभिभावकों को सूचना भेजी जाएगी। क्या नाम है आपका? हम आनंदलाल। कहाँ से आए? गुंजी। आपका क्या नाम? प्रेम। कहाँ से आए? गुंजी। तो आज क्या है विद्यालय में, आप क्या बताएंगे? मीटिंग है आज, तो बिल्कुल बच्चों को अच्छी पढ़ाई लग पड़ गए हैं। तो आपने जानकारी ली बच्चे की स्थिति क्या है विद्यालय में, कैसा आता है, क्या ठीक है? आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। लेकिन तुम लोगों ने बताया नहीं होगा सर, शासन से पेरेंट्स मीटिंग जो रखी गई इसके बारे में बताएं। शासन के जो आदेश थे और आदेश के तहत आज विद्यालयों में पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी बच्चे छात्रों की जो वास्तविक स्थिति है वो पेरेंट्स के सामने रख सके और शासन की योजनाओं के बारे में भी पेरेंट्स को बताया जा सके, जिससे आगे चल के बच्चों के भविष्य में सुधार हो सके, उस उद्देश्य को लेकर पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया गया। सर, ये वैसे निजी विद्यालयों की तर्ज पर ये शासकीय विद्यालयों में पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया गया है, इसमें कितने अभिभावक ने हिस्सा लिया? विद्यालय में वैसे अभिभावकों तो बुलाया था पूरे बच्चों को कि आपको अभिभावक को लेके आना है, लेकिन बहुत ही कम संख्या में अभिभावक यहाँ पर आए, और चूँकि निजी विद्यालय की तर्ज पर किया जा रहा है तो निजी विद्यालय में तो अभिभावक लोग पहुँचते हैं और शासकीय विद्यालयों में अभिभावकों के आने की परम्परा निरंतर रूप से जारी है, और निश्चित तौर पर अगर ये कार्यक्रम होते रहेंगे तो अभिभावक जागरूक होंगे और विद्यालयों में आने लगेंगे। मतलब आज की ऐसे बैठक से ऐसा लगा जैसे एक बैठक जो मीटिंग है निराशाजनक रही हो, तो इसके अच्छे के लिए क्या प्रयास रहेंगे? अच्छे के लिए ये कि बच्चों को और जागरूक करना पड़ेगा, बच्चों को बोलना पड़ेगा कि अपने पेरेंट्स को लेके ही आएँ, और पेरेंट्स अभी चूँकि काम का समय चल रहा है, जैसे मैं बच्चों ने बताया कि अभी वर्तमान में तेल किसानी का काम चल रहा है, इस कारण से पेरेंट्स नहीं आ पाए, तो उनको हम जागरूक करेंगे, त्यौहार का भी समय है और शायद वो काम में भी लगे हैं, इस कारण से नहीं आ पाए, लेकिन प्रयास रहेगा और तमाम पेरेंट्स मीटिंग में आएंगे ऐसा लगता है, और प्रयास जारी रहेगा। दमोह से कैलाश वर्मा, सागर टीवी न्यूज। आपका कार्यक्रम आप ही मेहमान 100 से 500 लोगों को खाना बनाकर होम डिलीवरी उपलब्ध। जी हाँ, राकेश तिवारी कैटर्स पेश करते हैं स्वादिष्ट भोजन की संपूर्ण श्रृंखला। लंच, डिनर, सलोनी चाट, वीआईपी वेटर, प्लेटर, अनुभवी कारीगरों द्वारा भोजन तैयार करने की व्यवस्था अब आपके बजट के अनुसार। 100 रुपए से 2000 रुपए तक की संपूर्ण सामग्री सहित कैटरिंग, वुडन सेटअप, वीआईपी काउंटर डेकोरेशन के साथ शादी विवाह, जन्मदिन एवं अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में खाना बनाने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है लच्छू चौराहे के पास, महर्षि दयानंद वार्ड, पठा, सागर।